कॉस की नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं और प्रॉपर्टी को समझेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस भी करेंगे जैसा कि हम अपन हमेशा करते हैं, पहले थ्योरम, थ्योरम का कन्वर्स और उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, हमारी नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि इक्वल कॉस आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट सेंटर, इट हेयर स्टैंड फॉर द सर्कल ऑफ अ सर्कल। ओके, सपोज एक सर्कल है, उस सर्कल की अपने पास में इक्वल कॉस है, ई बी एंड सी डी आर इक्वल कॉस। सपोज अगर मेरा मिसमैच हो फिगर में तो भी मान लीजिएगा मैंने इक्वल बनाई है, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू कॉस एंड दे आर इक्वल फ्रॉम द सेंटर। अगर हम इनका डिस्टेंस देखें यानी ए बी का डिस्टेंस देखें और सी डी का डिस्टेंस देखें तो दे आर इक्वी डिस्टेंट, द वर्ड इज इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे होती है, इक्वल डिस्टेंस पे होती है फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द सेंटर। और ऑफ कोर्स अगर हम किसी भी लाइन का, जैसे मान लीजिए ये ए बी है एंड देयर इज अ पॉइंट पी नॉट ऑन लाइन ऑन दिस ए बी, देन हाउ फार द पॉइंट पी इज फ्रॉम ए बी, कैसे निकालते हैं अपन इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल के। तो यानी हम अगर पी से ए बी की डिस्टेंस निकालें कि ए बी पी से कितना दूर है तो हम इसको इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाउ फार ए बी फ्रॉम पी ए तो हम ऐसे ऐसे कोई डिजाइन बनाए, नहीं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही मेजर किया जाता है ना। तो यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ओ एम और ओ एन क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर देखेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है वो देखेंगे, और सी डी का सेंटर से कितना डिस्टेंस है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन मेजर किया पहले। हम ये कह रहे हैं कि इक्वल कॉस होते हैं तो इक्वी डिस्टेंट होती है यानी कि ओ एम और ओ एन इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, ये छोटे या बड़े नहीं होते। चलो जैसा वो कह रहा है या जैसा हमें कहा गया है हम उसका थोड़ा सा अपोज करके देखते हैं। एक कॉर्ड है ए बी और एक कॉर्ड है सी डी, मान लेते हैं ये है कॉर्ड सी डी, राइट। अगर हम इस फिगर में देखें तो आपको आराम से समझ में आ रहा होगा ए बी इज स्मॉलर देन सी डी, तो जितनी छोटी कॉर्ड होती है वो सेंटर से उतनी दूर होती है और जितनी बड़ी कॉर्ड होती है वही वो सेंटर की उतने ही पास आती जाती है। हमें मालूम है, आपने बोला भी था उस दिन, नहीं आप मुझे बता रहे थे द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, बिल्कुल जो सेंटर से ही पास हो जाए वो क्या होगा डायमीटर, ऐसी कॉर्ड क्या होगी लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी एंड इट विल बी एट जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ऑफ कोर्स इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। Is the thing clear? क्या sentence clear है? Equal chords are equidistant from its center. किसी भी circle की अगर equal chords हो, एक या एक से ज्यादा, दो सॉरी दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, वो सारे center से equidistant होती है, है ना। अगर छोटी बड़ी होंगी हम आराम से देख सकते हैं, छोटी कॉर्ड होगी तो सेंटर से बहुत दूर होगी, जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही सेंटर के पास आती जाएगी, राइट। तो अगर इक्वल कॉस है तो सेंटर से इक्वी डिस्टेंट होती है यानी कि ओ एम और ओ एन इक्वल होता है, ठीक है ना। हमें मालूम है, हमें स्टेटमेंट दी जाएगी और कहा जाएगा चलो इसको प्रूव करके दिखाओ, राइट। तो स्टेटमेंट क्या है जरा उस स्टेटमेंट को देखते हैं। तो दिस इज टेक्निकली फिफ्थ थ्योरम ऑफ द चैप्टर, इफ इन अ सर्कल इक्वल कॉस आर equidistant from its center, ठीक है ना। In a circle, equal chords are equidistant from its center, ठीक है। हमें मालूम है क्वेश्चन को बनाने के लिए टीचर को यहां पे प्रूव दैट भी तो लिखना पड़ेगा, और क्या है ना। चलते हैं प्रूव करते हैं, क्या क्या बनोग एक सर्कल, ठीक है। सो अ सर्कल सी विद सेंटर ओ रेडियस आर हैविंग टू इक्वल कॉर्ड्स, बिल्कुल ये गिवन है कि ये इक्वल है, सो टू इक्वल कॉर्ड्स जिनका नाम लिख लेते हैं ए बी एंड सी डी, ऑल्सो क्या दिया हुआ है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन इज परपेंडिकुलर टू CD, यानी कि देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हमें गिवन है। ये इक्वल है, ये गिवन नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है, क्लियर है ना। ये इक्वल होंगे, OM और ON इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है, लेकिन ये गिवन है कि दे आर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ओके। चलिए कंस्ट्रक्ट टू प्रूफ हमारे लिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्लियर है, यहां पे ON इज इक्वल टू ON प्रूफ करना है।
कंस्ट्रक्शन के लिए हम कोई भी दो ट्राइंगल ले लेते हैं, मान लीजिए ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर लें और हमारे पास ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू आ जाए, ठीक है। सो ज्वाइन ओ बी एंड ओ सी, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन करते हैं और कोशिश करते हैं जरा इन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की। चलो बताओ एलिमेंट्स कौन कौन से इक्वल है इस ट्राइंगल वन और ट्राइंगल टू में। सर DC एंड AB आर इक्वल, सर OM इक्वल्स टू ON, सर OB इक्वल्स टू OC, सॉरी तो प्रूफ कर। एक मिनट, मेरे को धीरे से आवाज आई थी, सर एंगल OMB इक्वल्स टू एंगल OMC है क्या? यस सर, यस सर, 90 डिग्री, ठीक है। एक बात आगे मेरे को समझ में, एक एलिमेंट मिल गया, दूसरा एलिमेंट क्या बोल रहे हैं आप? OB इक्वल्स टू CM इक्वल्स टू CR इक्वल राइट, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये भी मुझे बात समझ आती है, सिर्फ याद आ रही है तो सर्कल बिल्कुल ठीक है। एक एलिमेंट और चाहिए बस, हमारा समझ गया। एम बी इज इक्वल टू सी एम, सर ए बी राइट, हाँ द स्टोरी विल स्टार्ट फ्रॉम ए बी इक्वल टू सी डी, हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी, बिल्कुल सही है। तो बी एम इक्वल टू सी एम, सो द रूल इज आर एच एस, इज इट दैट? Yes, sir. बिल्कुल, है ना? Yes, दोनों के पास इक्वल है, एक और एलिमेंट चाहिए था हमें, वो ये कि AB और CD इक्वल है, जैसे दे आर इक्वल कॉर्ड्स, सो AB इक्वल टू CD है, हाफ ऑफ AB में भी इक्वल टू हाफ ऑफ CD, हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, तो AB BN और CN भी इक्वल होंगे, तो R H S, R H और S, R H S हो गया, ठीक है ना। चलो कोशिश करते हैं जरा देखने की, तो अपने को गिवन क्या था वो क्लियर है, प्रूफ क्या करना था ये भी क्लियर है पक्का, और ज्वाइन करने के बाद हमें जो ट्राइंगल चले उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, क्लियर है सबको? चलो आप देखने की कोशिश करते हैं, है ना, प्रूफ करते हैं। हमने कहा इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ एम बी and triangle OMC, angle OMC is equal to angle OMC, क्यों है? सर each 90 degree, each 90 degree, right, each 90 degree, दोनों equal है 90 degree के, ठीक है। OB is equal to OC, क्यों है? सर radius of circle, of the radius of circle, right, they are the radius of the same circle, correct, okay, since अब उसको समझाते हैं, AB is equal to CD, it was given, ये given था कि AB और CD equal है, so half of AB is equal to half of CD, check कीजिए half of AB क्या है? सर OM is equal सर OM equals to OM बिल्कुल बिल्कुल बेटा, it implies that OM is equal to ON by CPCP, isn't it a simple theorem? समझने में कितनी आसान है कि अगर cos equal होंगी तो सारे दो सेंटर से equidistant होंगी, इसका मतलब अगर cos छोटी या बड़ी हैं तो उनका डिस्टेंस भी बड़ा और छोटा होगा, यदि उल्टा होगा, अगर छोटी कॉर्ड है तो वो सेंटर से उतनी दूर होगी, जितनी बड़ी कॉर्ड है वो सेंटर से उतनी ही पास होगी, अगर वो इक्वल है तो सेंटर से भी इक्वी डिस्टेंस ही होंगी, है ना बच्चे? यस सर। व्हाट व्हाट, प्लीज ट्राई टू स्पीक स्लो सर, योर वॉइस इज सो हार्श, वॉइस इज नॉट क्लियर, my voice is not clear, okay, chalo koshish karta hu, clear hai, right, now the converse of this theorem, let's talk about the converse of this theorem, chalo converse of this statement ka kya hoga, so perpendicular are equal and prove that the chords are equal, so
चलिए बिल्कुल ठीक है, हमने अभी स्टेटमेंट कही थी इक्वल कॉस आर इक्वी डिस्टेंट, हमने अभी कही थी इक्वल कॉस आर इक्वी डिस्टेंट, तो हम उल्टा बोलेंगे तो इक्वी डिस्टेंट कॉस आर इक्वल, इसमें इक्वी डिस्टेंट कॉस आर इक्वल, जो कॉस इक्वल डिस्टेंस पे हो सेंटर के वो पक्का इक्वल होंगी, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना अपन। मान लीजिए अपने पास एक सर्कल हो और उसमें हमारे पास में तो कॉर्ड हो एडी और सीडी, ठीक है, एक कॉर्ड 6 सेंटीमीटर अवे हो फ्रॉम इट सेंटर, दूसरी कॉर्ड जो है वो सपोज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट सेंटर हो, तो क्या कंक्लूजन है एडी और सीडी के बारे में? सर दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, राइट, विच वन इज लॉन्गर? सर बीसी इज लॉन्गर। ओके, जितना सेंटर से दूर होगी कॉर्ड उतनी ही छोटी होगी, जितना सेंटर के पास होगी कॉर्ड उतनी ही लंबी होगी, ये कह रहे हैं ना। और अगर बाय चांस किसी फिगर में ऐसा दिया हुआ हो कि ये भी 6 सेंटीमीटर अवे है और ये भी 6 सेंटीमीटर अवे है, हालांकि दिखने में लग नहीं रहा लेकिन मान लेते हैं अगर दिया हुआ हो तो क्या कंक्लूजन है? Now they must be equal. The chords are equal. What's my point? है ना? चलिए बिल्कुल ठीक है. So in a circle, equidistant chords from center are equal. चेक कीजिए. In a circle, equidistant chords from its center, ऐसी chords जो center से equal distance पे होती हैं, वो equidistant chords from center are equal. जो chords equal distance पे होती हैं center के, वो equal होनी चाहिए. ठीक है? मान लेते हैं एक AB chord है और एक chord है CD और उनका center से distance OM और ON perpendicular distance from the center are equal. क्या हम प्रूव कर सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल अभी भी कॉन्ग्रुएंट होंगे? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Which is the rule? By which rule? RHS. RHS. आपकी बात भी RHS है? Sir, RHS. ठीक है, चलो. मुझे राइट एंगल तो दिख गया. Hypotenuse equal है क्या? और एक साइड चाहिए थी OM equals to ON, तो ये तो पिछले क्वेश्चन से भी इजी हो गया एक तरह से, yes, है ना। चलो अब इसको अपन जरा प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। यस, what is given to us? कोशिश करते हैं, a circle with center O, radius R, having two equal chords, नहीं लिख सकता एक बार, है ना, मैं इस बार क्या लिखेंगे, two chords केवल, AB and CD also OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD. सच दैट एस सी का मालूम है ना, मतलब मैथ में एस सी का फुल फॉर्म होता है सच दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, तो ये गिवन है कि वो इक्वी डिस्टेंस है, प्रूव ये करना है कि द कॉर्ड्स आर इक्वल, दैट मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट ए डी एंड सी डी आर इक्वल। कंस्ट्रक्शन किया हमने, हमने हेल्प ली दो ट्राइंगल्स की, सो हम लिख लेते हैं जॉइंट ओ बी एंड ओ सी, ओ बी और ओ सी को ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए कोशिश करें, कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ओ एम बी और ट्राइंगल ओ एन सी। एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी होता है ईच 90 डिग्री है, इसलिए इक्वली होंगे, पहली बात। दूसरा OB इज इक्वल टू OC है,
since they are the radii of the same circle. One more thing was needed, and that is given to us, that OM and ON are equal. This is given. देखिए ना, अपने पास ये हो गया R, ये हो गया H और ये H, RHS. Right angle है, hypotenuse है और side है. Right? So therefore, triangle OMB is congruent to triangle ONC by RHS. Right angle, hypotenuse, side. By RHS, if they are congruent to each other, it simply implies that BM is equals to CM by CPTT, corresponding parts of congruent triangle. लेकिन BM से बात नहीं बनी और CN से भी बात नहीं बनी हमारी. क्या करें? BM का डबल कर देते हैं तो AD में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये कैसे पता कि ये BM का डबल ही है या M मिड पॉइंट ही है? क्योंकि हमें सबसे पहले थ्योरम पढ़ी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्न. So M इसका मिड पॉइंट ही होगा, हम श्योर हैं, सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्न. चेक कीजिए, अपने पास दोनों जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल आ चुकी हैं. ठीक है ना बेटा?